विनोद जी, जो कुछ भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुआ उस पर आपकी पहली राय क्या है? क्या आपको लगता है कि ये तो होना ही था? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि वही जेएनयू है जहां हम लोग पढ़ते थे। राकेश जी भी जेएनयू के हैं, आप भी आशु जी जेएनयू के हैं, और मतलब जिस जेएनयू में जिसको एक तरह से विचारों की आजादी का, हर तरह की आजादी का, मतलब एक टापू मैं कहता था, आइलैंड ऑफ लिबरलिज्म, आइलैंड ऑफ फ्रीडम, आइलैंड ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट एक्शन माना जाता था। आज उस जेएनयू में, मैं तो जेएनयू में जो पढ़ता था, और राकेश जी को भी याद होगा, आशुतोष आपको भी याद होगा कि हमारे मेस में हॉस्टल में था पूर्वांचल में, वो दिन फिक्स थे जब स्पेशल डिनर बनता था। उसमें जो नॉन वेजिटेरियन होते थे उनके लिए नॉनवेज बनता था, जो वेजिटेरियन होते थे उनके लिए पनीर की सब्जी और खीर इस तरह की चीजें बनती थी। और उस दौरान रामनवमी भी निकल जाती थी, कृष्ण जन्माष्टमी भी निकल जाती थी, शिवरात्रि भी निकल जाती थी, नवरात्र भी निकल जाते थे, रमजान भी निकल जाता था। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि अगर मान लीजिए नवरात्र के दौरान वो दिन आ गया जब स्पेशल डिश बनती थी तो नॉनवेज भी बनता था, लोग खाते भी थे, और जो नहीं जो वेजिटेरियन होते थे वेजिटेरियन खाते थे। मैं तो वेजिटेरियन हूँ प्योर, और खाते थे, हमारे टेबल पर बैठ के नॉनवेज खाते थे लोग, हमें कभी आपत्ति नहीं हुई, कभी दिक्कत नहीं, और हम लोग साथ साथ जो है हम अपना खाना खाते तो अपना खाना खाते थे। कभी कोई ये मतलब कि नॉनवेज बनना बने ना बने, खाया जाए ना खाइए, तो मुद्दा ही नहीं था। जेएनयू में मुद्दा कभी रहा नहीं। जेएनयू के बारे में तो चर्चा हमेशा ये रही कि साहब वियतनाम में जो है अगर अमेरिका ने बम गिरा दिया तो जेएनयू के लड़के जो है उस पर रात दो बजे डिबेट होती थी जेएनयू में। जेएनयू में तो क्यूबा पर डिबेट होती थी, जेएनयू में तो उन सारे मुद्दों पर जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों को छूते थे उन पर बहसें और विवाद और सारे संवाद होते थे। कभी नॉनवेज और वेजिटेरियन और पूजा करना है नहीं करना है इस पर कभी नहीं जेएनयू में होता था। तो मुझे लगता है कि जेएनयू तो जो मूल चरित्र जेएनयू का है कहीं ना कहीं उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है, और ये विवाद उसी का एक हिस्सा है। जिस तरह जेएनयू में पिछले कई वर्षों से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े जो कभी जेएनयू में कभी होता ही नहीं था, उसी तरह की इस तरह की चीजें बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है जेएनयू का जो मूल चरित्र है जिसके लिए जेएनयू पूरी दुनिया में जाना जाता है, मैं तो कहता हूँ कि जेएनयू में जो पढ़ा है उस एक व्यक्तित्व निर्माण करने की संस्था रही है, उस संस्थान के मूल चरित्र को खत्म करने का ये एक प्रयास है। जो प्रयास पहले भी हो चुके हैं, कभी उसको टुकड़े टुकड़े गैंग का बता दिया जाएगा, कभी उसको आजादी गैंग से जोड़ दिया जाएगा, कभी उसको जो है देशद्रोही बता दिया जाएगा, अब उसको नॉन वेजिटेरियन बता दो, उसको रामद्रोही बता दो। तो ये मुझे लगता है बहुत विचित्र स्थिति है और गंभीर स्थिति है। अनम्यूट करिए आशुतोष जी, अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए। विनोद जी, एक और सवाल यहाँ पे है कि जब आप उस वक्त पढ़ा करते थे तो हमारे ख्याल से 80, 82, 83 की बात हुई जब आप वहाँ पे, तो वहाँ पे रहे होंगे, क्या उस समय सार्वजनिक तौर पर रामनवमी मनाई जाती थी? क्या उस वक्त सार्वजनिक तौर पर रोजा इफ्तार होता था? क्या सार्वजनिक तौर पर वहाँ पे जो क्रिश्चियंस अपने अपने सेलिब्रेशंस करते थे, क्या ये पूजा पाठ होता था सार्वजनिक तौर पर? नहीं नहीं, हम लोगों को पता ही नहीं लगता था कब जो है क्या कहते हैं रमजान आया और कब नवरात्र आई और कब रामनवमी आई कब शिवरात्रि आई। अगर कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ छात्र ऐसे आस्थावान रहे थे भी थे तो व्यक्तिगत रूप से अपने स्तर पर जो है अपना जो कुछ करना होता था कर लेते थे, अपने कमरे के अंदर पूजा पाठ करना है जो भी करना है, लेकिन सार्वजनिक रूप से कभी भी ना तो शिवरात्रि मनाई गई, ना रोजा इफ्तार हुआ, ना रामनवमी मनाई गई, कभी भी। हम लोग ज्यादातर तो सारा जेएनयू के आयोजन वैचारिक और राजनीतिक और दार्शनिक मुद्दों पर होते थे। जेएनयू में चाहे वो डिबेट हो, अब हम लोगों ने सत लोंगोवाल की मीटिंग कराई थी जब राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था, उसके बाद वो एक बड़ा आयोजन था, उसमें हम लोगों को किस तरह से वैचारिक लड़ाई में उलझना पड़ा था हमें अच्छी तरह याद है। हम इसके पहले जो मेस डिबेट्स होती थी, कभी फारूक अब्दुल्ला को बुला रहे हैं तो कभी जो है किसी और उसको बुला रहे हैं, यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजर के एडिटर थे उस वक्त जो है बड़े मलकानी साहब, उनको भी बुलाया गया, हर तरह के लोगों को बुलाया कि उनसे संवाद होता था, चर्चा होती थी। रामनवमी, शिवरात्रि और रोजा इफ्तार या क्रिसमस या नौरोज, कभी इन पर कोई बात ही नहीं होती थी। हाँ, छुट्टी होती थी, छुट्टी के दिन अपना लोग अपने मित्रों को लोग सिनेमा देखने चले जाते थे, कुछ लोग महिला मित्रों के साथ जो है घूमने फिरने चले जाते थे, तो वो सब तरीका होता था। लेकिन कभी हमारे समय काल में, और शायद आशुतोष आपके समय भी ऐसी ही स्थिति रही होगी, और राकेश जी के समय तो बिल्कुल वही स्थिति थी जो हमारे समय। राकेश जी, हम लोग लगभग कंटेम्पररी थे, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एक ही हॉस्टल के एक ही फ्लोर पर भी थे काफी समय तक। विनोद जी, एक सवाल और आपसे है, इसका मतलब ये कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो है वो भारतीयता और भारतीय संस्कृति का लोप था, वहाँ क्यूबा
होता था, वहाँ वियतनाम होता था, वहाँ निकारागुआ पे चर्चा होती थी और वहाँ पे रामनवमी की चर्चा नहीं होती थी। तो क्या इसलिए क्योंकि लोग राम से नफरत करते थे, रामनवमी को का पूजा करना क्या दक्षिणूसी बात मानी जाती थी, इसलिए जेएनयू बिल्कुल हिंदुस्तान से अलग था, उसको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं था। जेएनयू का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं था, और मैं तो कहता हूँ सही मायने में भारतीयता थी जेएनयू के अंदर, कि वहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित अवर्ण सवर्ण किसी का कोई मतभेद नहीं था। कोई जो भारतीय समाज की जो जिस संरचना की कल्पना महात्मा गांधी ने की या हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के उन्होंने की, स्वतंत्रता सेनानियों ने, भगत सिंह ने की, उस तरह का समाज वहां था, वहां नर नारी विभेद भी नहीं था। तो वहां मुझे लगता है जेएनयू के भीतर तो पता ही नहीं लगता था कौन दलित है और कौन अल्पसंख्यक है, और नाम से ही पता, अल्पसंख्यक तो चलिए नाम से पहचान में आ जाते थे, दलित तो नाम से भी पहचान में ही आते थे, बहुत दिनों बाद पता लगता था भाई ये फलाने समुदाय के हैं। ये तो ये सब चीजें जो है, तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि उस समय का जो जेएनयू था तत्कालीन जब हम लोग पढ़ते थे, उस समय का जेएनयू जो सही भारत का प्रतिनिधित्व करता था, उस भारत का प्रतिनिधित्व करता था जिसकी कल्पना हम सब करते हैं, भविष्य के भारत का प्रतिनिधित्व करता था। मुझे तो मैं तो कहता हूँ कि जेएनयू जैसे संस्थान तो देश के हर राज्य में होने चाहिए, हर हिस्से में होने चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।